नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोंग कैसे बने, खुद को स्ट्रोंग कैसे बनाएं। आज की लाइफस्टाइल में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो मेंटली और फिजिकली काफी कमजोर है। स्ट्रोंग व्यक्ति ही आज अधिक ग्रो कर रहा है, वही कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया पीछे धकेल देती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जॉब करते हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम्स से निकलने में कठिनाई हो सकती है। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला यह कि अपनी लाइफ को किस्मत का नतीजा मानकर एक्सेप्ट कर ले। वहीं दूसरा है खुद को तेजी से बदलने की सोच रखे और खुद में बदलाव लाकर अपनी किस्मत खुद बनाए। आपको अगर इस दुनिया में अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है तो आपको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले फिजिकली स्ट्रांग। हमारा माइंड और बॉडी दोनों हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। अगर आप फिजिकली पूरी तरह फिट है तो मानसिक तौर पर भी फिट ही नजर आओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, व्यक्ति को अगर अपना पूर्ण विकास करना है तो पहले शारीरिक रूप से बलवान बनना होगा। आप अगर शारीरिक रूप से कमजोर रहोगे तो यह दुनिया आपका शोषण करने के लिए तैयार बैठी है। फिजिकली स्ट्रांग अगर आपको बनना है तो आपको जिम जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए टिप नहीं है जिनको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता या जो आलसी है, बल्कि यह मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो खुद को मजबूत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को जिम जाने की आदत बना लेनी चाहिए। हेल्थी खाना शुरू करें। आज का अधिकतर यूथ फास्ट फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। फास्ट फूड खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर यह अपना नुकसान करना शुरू कर देता है। फास्ट फूड बस स्वाद के लिए ही होता है, इसमें कोई पोषण नहीं होता। इसके बजाय फास्ट फूड से परहेज करके हेल्थी खाना शुरू कर दें। ऐसा खाना खाइए जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स मिले। दूसरों की देखा देखी में खुद को अनहेल्थी भोजन न दे। नशे से दूर रहे। अगर आपको अच्छी सेहत पानी है तो आपको नशे से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। नशा आपको हमेशा बर्बाद करता है। नशे के आप जितने आदी होंगे उतना ही आप अपने शरीर को खत्म कर देते हो। अब बात करते हैं मेंटली स्ट्रांग की। जिस तरह से हमारा फिजिकली फिट होना जरूरी है, हमें मेंटली भी मजबूत होना चाहिए। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है पर माइंड से कमजोर है तो आप खुद को हमेशा हारा ही महसूस करोगे। मानसिक तौर पर हमें बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान है और टेंशन में है तो आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाओगे। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए आपको बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। बुक्स हमें निकालने का काम करते हैं। अगर आप तनाव में है तो आप किसी बुक्स को पढ़ें, आपको राहत महसूस होगी। बुक्स पढ़कर आपको वे जानने को मिलेगा जो आपको पता ही नहीं है। कई बार हम छोटी सी बातों को लेकर अपने मन में उलझ जाते हैं, लेकिन बुक्स हमें इन उलझनों से बाहर निकालती है। आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, यह आप पर बहुत इफेक्ट डालता है। अच्छे लोगों के साथ रहकर जहां आप अच्छे बनते जाते हैं, वही बुरे लोगों के साथ रहकर आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करें जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। अगर आपको मेंटली स्ट्रोंग बनना है तो आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा। हर इंसान में कुछ बुरी आदतें होती है और हमें भी बहुत सारी बुरी आदतें भर भर के हैं। आपको अपनी बुरी आदतों को पकड़कर उन्हें दूर करना चाहिए। जब आप खुद को सुधारते जाओगे, आप अंदर से मजबूत बनते जाओगे। आत्मविश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी स्थिति में आपका कैसा एटीट्यूड है, यह आपका कॉन्फिडेंस ही बताता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो किसी भी स्थिति को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हो। वहीं कॉन्फिडेंस की कमी हमें मेंटली कमजोर कर देती है। दोस्तों, आप भले ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो, पर आपको सोशली भी स्ट्रांग होना चाहिए।
सोशली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, आप अपने कार्य और व्यवहार द्वारा इस समाज पर कैसे असर करते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। आपका व्यक्तित्व, आपका नजरिया और आपकी सोच इस सोसाइटी में आपको एक अलग पहचान देती है। अगर आपको सोसाइटी से वाहवाही मिलती है तो आपकी सेहत ऑटोमेटिक सही होने लगेगी और आप मजबूत बनते जाओगे। आपके अंदर भी वह पावर है, बस जरूरत है उसे पहचाने की। एक बार जब आप खुद को पहचान लोगे तो कुछ भी हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।